लेकिन अपनी जगह मत छोड़िए, एक बार छोड़ने के बाद पता नहीं मिलेगा कि नहीं कोई ठीक नहीं, इसलिए अपने जगह को हमेशा पकड़ के रखना चाहिए। उसमें मुझे ऐसा ही लगा कि एसी छोड़ के सब कुछ है, सिर्फ एसी नहीं है बल्कि एक इंसान के लिए कंफर्ट के लिए हर आदमी चाहता है। आज सुविधा अगर दिया जाए तो मुझे लगता है कि हर आदमी अच्छी व्यवस्था में रह सकता है, और बहुत कम ऐसी गाड़ियां मिलती हैं जो कि हमारे पैसेंजर जो उस लायक नहीं है, जो कम अफोर्ड कर सकते हैं बड़ी लग्जरी चीज़ों के लिए। तो जो लोग हैं जो उसकी सवारी करते हैं उनके लिए मुझे नहीं लगता कि इतनी कंफर्ट जोन में कोई ऐसी मोटर कार बनी होगी जो कि आज मैंने देखा, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि कम से कम हमारे बिहार के लोगों के लिए इतनी अच्छी कार है, आपके ऑटो आ गई ताकि आप लोग आराम से अपने सफर को तय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो खेसारी जी मैं तो ऑटो में बहुत सफर करती हूँ, एयरपोर्ट से भी, क्या आप कर रहे हैं आजकल ऑटो में सफर? अब हम बोलेंगे तो लोग बोलेंगे झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं आज से 2 महीने पहले की घटना है, मेरी गाड़ी कहीं गई थी और मेरा फ्लाइट था, और मैं एक हमारे कौन बाबा है उन्हीं के घर पे मैं आता हूँ तो रहता हूँ, तो उनके घर से मेरी गाड़ी टाइम लगता था और मुझे 10 मिनट में पहुंचना था, तो मैं ऑटो पकड़ के ही एयरपोर्ट गया था। और इत्तेफाक से समझिए कि वो पियाजियो का ही ऑटो था, मेरा फोटो पीछे लगा था, तो लोगों को लगा कि सारी फॉर्च्यूनर बेच दिया, वहां के लोगों को लगा बोले कि नहीं यार फ्लाइट पकड़ने के लिए, और मैंने फ्लाइट पकड़ी क्योंकि 10 मिनट टाइम था और 10 मिनट में वो पहुंचा भी दिया बेचारा। तो ये हकीकत है, प्लीज जी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लोग नहीं मानेंगे आज के डेट में, मैं कहूँ तो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मजबूरी में जो काम आता है ना वो ईश्वर की तरह होता है। उस दिन पियाजियो मेरे लिए ईश्वर की तरह हो गया, मेरा 15,000 रुपया बचा दिया। तो ये होता है कभी कभी कि छोटी गाड़ियां आराम से किसी रास्ते को पकड़ लेती हैं। तो आप लोग भी सफर करिए, और ये मुझे लगता है कि जो अभी नई न्यू लॉन्च हुई है वो एकदम मेरी तरह मजबूत है, मेरी तरह कंफर्ट है, जिस तरह मैं आप सबको बहुत कंफर्ट लगता हूँ, आपके परिवार का बच्चा लगता हूँ, उसी तरह मुझे लगता है कि ये जो अभी न्यू लॉन्च हमारी है पियाजियो परिवार की, वो एकदम कंफर्ट मेरी तरह है, मेरी तरह स्ट्रांग है, मेरी तरह माइलेज भी देती है, मतलब कि हमें तेल नहीं लगता है उसमें, लगता है माइलेज, मतलब कि जिस तरह मैं 24 घंटा वर्क कर सकता हूँ, 72 घंटा तक मैं काम करता हूँ सिर्फ अपने भाषा के लिए, अपने संगीत के लिए, आप सबकी मोहब्बत पाने के लिए, उसी तरह उसको भी आराम से आप चलाते रहिए, मेरा भी टायर नहीं घिसता है, उसका भी नहीं घिसने वाला। एक्चुअली मैं आपको पूछने वाली थी कि 2012 में आपकी पहली फिल्म आई बाहर, और 11 में तो बस 12-13 साल में आपने 70 फिल्में कैसे करी? मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मैं कुछ बनने के लिए कुछ नहीं किया, करता गया बनता गया, तो मुझे लगता है कि करते जाइए तो आप बनते जाइएगा, बनने के लिए करिएगा तो आप पीछे रह जाइएगा। तो मैं करता गया बनता गया, और मुझे लगता है कि मैं नहीं बना, लोगों ने मुझे बनाया, और वो बिहार यूपी के लोग हमारे भाषा के लोग हैं, जैसे एक भैंस में बैठ कर अपने सफर को तय करने वाला आदमी को, एक लिट्टी चोखा बेचने वाले आदमी को, इतने बड़े मुकाम पे आज इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो कि